नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। श्रावस्ती में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। सीएम 3:35 पर ही श्रावस्ती एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। आपको बता दें कि इसके बाद सीएम बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही सीएम बाढ़ पीड़ित लोगों को बाढ़ राहत सामग्री की किट भी बांटने वाले हैं। आपको जानकारी दे दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात करने के लिए जाने वाले हैं। 3:35 पर सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात करेंगे। सूर्य प्रकाश, जैसे कि बाढ़ पीड़ित लोग हैं वहां पर, लोगों के हालात क्या है? इतने ज्यादा बुरा हाल हो रखा है, योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंच रहे हैं, तो वहां के हालात अभी क्या देखने को मिल रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग आधा जनपद के ग्रामीण क्षेत्र है वो बाढ़ की चपेट में वो डूबे हुए हैं। अभी भी लगभग 80 से 90 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में एकदम घिरे हुए हैं। जो वहां पे फंसे हुए लोग हैं उनको एनडीआरएफ की टीम भेजा के खाने के लंच पैकेट देती है और कुछ लोगों को बाहर भी निकालती है, जो उच्च स्थानों पर राहत शिविर में भी लेकर जाती है। वही सब चीजों का वो समीक्षा करेंगे, इसके बाद जिला प्रशासन से जानेंगे कि क्या व्यवस्था उनके लोगों के लिए है, उन लोगों की परेशानियों को किस तरीके से देखा जाता है, जिसके संबंध में प्रेस वार्ता कर सब सारी जानकारियां वो देंगे। जी, प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है इसको लेकर, तो प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है इस पर अभी फिलहाल? देखिए, प्रशासन की तरफ से जो एनडीआरएफ टीम और एसडीआरएफ की टीमें लगी है, पीएसटी की बटालियन लगी है, वो सब जो बाढ़ में फंसे हुए ग्रामीण क्षेत्र वहां के लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। इसके बाद 12 राहत शिविर लगाए गए हैं जिनमें जहाँ पर लोगों को ले जाकर पान को खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, ये सारी टीमें लगी हुई है, लगातार वो काम कर रही है और लगातार क्षेत्र में भ्रमण की भी है। जिसको लेकर सारी व्यवस्था, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की श्रावस्ती में आई बाढ़ का जायजा लेने श्रावस्ती पहुंचे और कटरा में मौजूद एयरपोर्ट पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। बरसात के बीच बीजेपी विधायक रामफेरन पांडे और बीजेपी जिला अध्यक्ष महेश मिश्र ने उनका स्वागत किया है। जल शक्ति मंत्री ने जिले में आई बाढ़ के बारे में अधिकारियों और कर्मचारियों और बीजेपी जनप्रतिनिधियों से जानकारी ली है। ग्रामीण क्षेत्रों से आए बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना और उन्हें राहत सामग्री दी है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ आपदा से हुए नुकसान का खेद है, किसानों की फसलों का आकलन कर मुआवजा दिया जाएगा। वहीं पीलीभीत में बीते कई दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बरसात के चलते ही कई गांव में जलभराव की स्थिति के साथ साथ बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है, जिसके चलते आज गन्ना विकास और चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने ही ललोरी खेड़ा ब्लॉक और अमरिया तहसील इलाके में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बाढ़ग्रस्त और जलभराव वाले गाँव और क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। देखिए, अभी बारिश हुई, पिछले 3-4 दिनों से खूब बारिश हुई। बारिश में कई मकान हमारे क्षेत्र के गिरे, कई मकानों की दीवारें गिर गई, फसल भी पूरी तरह से, धान पूरी तरह से ख़त्म सा हो गया। तो मैं और आज हमारे प्रशासनिक अधिकारी लोग जहाँ मकान गिरे वहाँ भी निरीक्षण करके आए, वहाँ देख के आए। एक जगह एक्सीडेंट में हमारा एक कार्यकर्ता खत्म हुआ पाकड़ गिरने से, उसके लिए भी मैं अपने 1 महीने की सैलरी उसके लिए दे के आया और जो सरकारी मदद होगी वो भी की जाएगी और जिन लोगों के मकान गिरे हैं उनको भी जो भी नियमता सरकारी मदद होगी वो भी करी जाएगी। अब खबर बाराबंकी की सिलोटा से है, जहां पर एक वृद्ध की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वृद्ध पंचायत मरना के पास ही नारायणपुर पुल से जा रहे थे, उस दौरान पुल की रेलिंग टूटी होने के कारण ही उनका पैर फिसल गया और वो साइकिल समेत पुल के नीचे गिर गए। मौके पर पहुंची रामनगर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन शाम तक शव का पता नहीं चल पाया।
शिवपुरी मुनि की रेती आते समय ही रैपिड में राफ्ट पलटने से कलकत्ता के एक पर्यटक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पर्यटक की पहचान जो हुई है 62 साल के शुभाशीष के रूप में की गई है और घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि मंगलवार की सुबह कलकत्ता से 16 पर्यटकों का दल ऋषिकेश घूमने के लिए पहुँचा और 8-8 पर्यटकों का 2 राफ्ट में बैठकर गंगा में राफ्टिंग करने लगे और कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ही रोलर कोस्टर नाम के रैपिड का राफ्ट लीक होकर ही पलट गया और पीछे चल रही दूसरी राफ्ट के गाइड की सहायता से पर्यटकों को गंगा से बाहर निकाला गया। इस दौरान शुभाशीष की तबीयत भी बिगड़ गई, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से उपचार के लिए ऋषिकेश लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने जाँच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। संचालन के लिए एक तकनीकी समिति नियुक्त की है सरकार शासन द्वारा, और उसमें ये है कि उसमें मार्क किया हुआ है कि जो पानी का लेवल होगा उस ग्रीन मार्क है, तो ग्रीन मार्क से करीब 1.5 मीटर या 2.5 से 2 मीटर डाउन है, नीचे है, तो उससे उसमें उसको राफ्टिंग के संचालन की अनुमति दी गई है तकनीकी समिति द्वारा। लेकिन आज का जो अभी जो हादसा हुआ है, इसमें जो मेरे पास अभी तक सूचना आई है उसमें ये कहा गया रोलर कोस्टर में राफ्ट लिप हुई थी और इनके पास जो प्रिकॉशंस हैं उसमें सुरक्षा के मानक ये हैं कि कम से कम 2 राफ्ट एक साथ होनी चाहिए। पुलिस ने मनसा देवी फाटक के पास से ही पिकअप वाहन में भैंस चोरी कर ले जा रहे 3 युवकों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। जानकारी के मुताबिक श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत गुज्जर बस्ती में गुजर रहे अपनी भैंसों को पालते हैं और इसके साथ ही इनका दूध बेचकर वो अपनी आजीविका चलाते हैं, मगर कुछ समय से ही उनकी भैंस एक के बाद एक चोरी हो रही थी। पहले तो गुज्जरों ने अपनी भैंसों को तलाशने के लिए खुद प्रयास किया, जब सफलता नहीं मिली तो उन्होंने स्थानीय पार्षद के सहयोग से पुलिस से मदद की गुहार लगाई। गुज्जरों ने ही पुलिस को बताया है कि हाल ही में उनकी एक भैंस चोरी हुई है जो IDPL के जंगल में घास चर रही थी। सूचना के बाद ही पुलिस ने मुखबिर को चोरी की वारदात खोलने के लिए ही सक्रिय किया। इस दौरान ही गुज्जरों ने पुलिस को बताया कि एक पिकअप वाहन से भैंस लेके जा रहे थे और जिसकी जानकारी मिली थी पिकअप वाहन हरिद्वार की ओर जा रहा था और पुलिस ने मनसा देवी फाटक पर संबंधित पिकअप वाहन को चेकिंग के लिए रोक लिया। तलाशी लेने पर ही वाहन के अंदर से IDPL से चोरी हुई भैंस बरामद हुई है। वाहन के अंदर मौजूद 3 युवकों को पुलिस ने भैंस चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आज तक सर भैंसों का अगर अनुमान लगाया तो हजारों भैंस चोरी हुई है, जिसमें केवल 22 जीवन तो मेरे ही है। साल में छह महीने बाद एक ले गया, 2 ले गया, 5 ले गया, सफाया हो गया। अभी पुलिस को गुम की रिपोर्ट लिखा तो पुलिस क्या कर लेगी जब चोर ना मिले तो। और फिर अभी जो है परसों मेरा भाई रोशन जी ने, एक मेरा पड़ोस में, उसकी 2 भैंसें चोरी हो गई। ये जो हमारे भतीजे हैं इनकी भैंस गाड़ी में पकड़ी गई है और गाड़ी भी इस टाइम जो है यहाँ बाईपास चौकी में उपस्थित है और जो मुलजम है वो भी बिठा रखा है। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए प्रयास में जुटे हैं और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ अधिकारी प्रदेश के अंदर लगातार भ्रष्टाचार की गंदगी फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर से ही जनपद उधम सिंह नगर के ही काशीपुर में वन विभाग की टीम पर गंभीर आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ संपत्ति सीज न करने के नाम पर 2 लाख की रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। आरा मशीन संचालक का आरोप है कि मेरी आरा मशीन की संपत्ति कोशिश न करने के नाम पर 2 लाख की मांग की है और काशीपुर वन विभाग की टीम का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी खनन वाहन और स्वामियों के साथ वन विभाग की टीम की गर्मा गर्मी हो चुकी है। वाहन स्वामी का आरोप था कि जसपुर रेंज के वन कर्मचारी अधिकारी काशीपुर रेंज में आकर प्राइवेट लड़कों के साथ खनन की गाड़ियां रोकते हैं, गाड़ी सीज करने के नाम पर पैसों की मांग की जाती है।
जैसे हम लोगों को ये परेशान कर रहे हैं, हमारी जो मशीन है हमारे भतीजे की सारी की, उसके अंदर कुछ मिला नहीं। मशीन ऑलरेडी 2 साल पहले इन्होंने सीज कर दी थी, उस समय भी इन्होंने हमसे पैसे की मांग करी। हम गरीब आदमी पैसे इनको कहाँ से दें? एक गट्टू पांडा का काम ठीक हो गया। अब ये जो हमारी संपत्ति भी सीज कर रहे हैं, हम इनको कॉपरेट कर रहे थे 5 बजे से। हमारे ये भतीजे की मशीन है आरिफ भाई की, जो हमारे डीलर भी है, खत्म ही कर दिया। मशीन चल भी नहीं रही थी और तो वो उन्होंने मशीन हमने उखड़वा दी, तो चल ही नहीं रही। अब वो ये क्या कहते हैं, एजो साहब खुद इतने बड़े अधिकारी कि आप जो है नकल लाख रुपये 2 लाख रुपए दे, तेरी संपत्ति सीज नहीं करूंगा। लक्सर के बसेड़ी खादर गांव में एक दर्जन भर से ज्यादा लोगों में डेंगू के लक्षण पाए जाने की शिकायत से पीआर स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर खगेंद्र कुमार ने जिला मलेरिया अधिकारी गुरु नाम सिंह और अपर मुख्य अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा की अगुवाई में बसेड़ी गांव में स्पेशल स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाने के निर्देश दिए और दोनों अधिकारियों ने स्वास्थ्य टीम के साथ गांव पहुंचकर शिविर लगाया। करीब 300 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके अलावा 100 से ज़्यादा लोगों के खून के नमूने भी लिए गए, जिन्हें जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़।